जय श्री राम, जय हनुमान, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आई एम योर होस्ट काशदीप बत्रा। वेलकम टू माय चैनल नाड़ी वैदिक एस्ट्रोलॉजी। एंड हु सो एवर इज फॉर द फर्स्ट टाइम, काइंडली हिट द रेड बटन एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट द नोटिफिकेशन ऑफ द वीडियो वेन एवर इट इज रिलीज। आज का जो वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, मैं आपको कुछ दिखाने वाला हूँ। आप लोग बहुत ज़्यादा मेरे से क्वेश्चन पूछते हो ना कि सर आपको ही क्यों चुने हम लोग। अब उसका रीज़न ये है कि जितने भी यूट्यूब में वायरल वीडियोस आ रहे हैं पॉडकास्ट के अंदर सारे एस्ट्रोलॉजर्स के, उनके ऊपर भी मैं एक वीडियो बना ही चुका हूँ। आप देखो चैनल पे जा कर के मेरे, मैं नीचे लिंक भी दे दूँगा उसका। और अगर आप खोलते हो मेरे वीडियोस तो मैं आप लोगों को वो दिखा भी देता हूँ कि मैंने क्या क्या वो वीडियोस बनाए हैं, कि आप उनके पास जाओगे तो कैसे बर्बाद कर देंगे आपको। अब जो ऐप्स है मैंने उसके अंदर चैट करी है एक बंदे के साथ, दो बंदों के साथ मैंने चैट करी है अपने बारे में, डेट ऑफ बर्थ टाइम प्लेस दिया और दोनों के दोनों ने गलत मेरे को बात बताया। अब आप 200 रुपये के लिए एस्ट्रोटॉक में या एस्ट्रोसैग में या किसी भी ऐप में जाते हो, वो लोग पहली चैट फ्री देते हैं और वो ट्रैप करते हैं आपको। आपको वो पहले तो वो बताते ही गलत हैं, आप लोगों को बिल्कुल गलत बताएंगे, ठीक है कि नहीं। पहले तो आपसे क्वेश्चन पूछेंगे कि जी किस चीज़ के बारे में, क्या किस लिए आए हो। अरे डेट ऑफ बर्थ टाइम प्लेस दिया है, एस्ट्रोलॉजर को खुद पता चल जाता है कि वो किस लिए आया है, क्या प्रॉब्लम है उसको। पर ये लोग बता नहीं पाते जब तक आप उनसे ना पूछो। जैसे कि मैंने इनसे पूछा करियर इनकम, पहले मैं शांत रहा, फिर इनसे पूछा कि यार इनसे ये तो बता नहीं रहा, दो मिनट फ्री दे रखे हैं चैट के। करियर इनकम के बारे में मैंने लिखा और इन्होंने लिखा कि मैंने कहा जी इनकम नहीं हो रही है एक महीने से, तो इन्होंने मेरे को बताया कि जी आपका राहु की महादशा आई हुई है और वो वाकई में सही है। 2022 से मेरी महादशा आई है, पर जब से महादशा आई है तब से मैं बहुत ज़्यादा और ज़्यादा ऊपर चढ़ चुका हूँ। पहले तो मंगल की चल रही थी तो उसमें मैंने तरक्की करी, राहु के अंदर भी मैंने तरक्की करी। रीजंस ये हैं, ये देखिए ये कॉम्बिनेशन ऑफ स्टोन्स है। राहु के लिए मैंने दो स्टोन्स पहने हुए हैं, ये देखिए गोमेद, वो भी श्रीलंका की क्वालिटी के। ये यहाँ पे भी गलत करते हैं, क्वालिटी भी गलत दे रहे हैं आपको, इंडियन क्वालिटी दे रहे हैं जो कि 100-200 रुपए का पड़ता है। है पुखराज जी, सबसे पहले मैंने यही वाले स्टोन्स पहने थे, उसके बाद अब 2-3 साल से ये वाले पहने हुए हैं। मैं आपको स्क्रीन पे दिखाऊंगा कि इन्होंने क्या किया है मेरे साथ। देखो गाइज ये कैसे बेवकूफ़ बनाते हैं। ये एस्ट्रोटॉक पे मैंने एंटर किया, इन्होंने मेरे को एक चैट फ्री दी, करियर फाइनेंस के बारे में पूछा और मैं 25-30 करोड़ का मालिक हूँ, आप सब जानते हो, एस्ट्रोलॉजर हूँ मैं और लॉयर भी हूँ। ये देखिए आप खुद पढ़ लीजिए, नाउ डेज नो वर्क नो मनी, मेरे पास 10 लाख पर मंथ मेरे को आते हैं। पर ये देखो बुध इज़ वीक इन योर कुंडली, बिकॉज ऑफ दैट यू फेस इशू इन योर वर्क, बट दशा ऑफ राहु इज़ गोइंग ऑन एंड जुपिटर इज़ ऑल्सो वीक बिकॉज ऑफ दैट यू माइट फेस। मेरा जुपिटर सबसे स्ट्रांग है और बुध भी बहुत स्ट्रांग है, इनको ये नहीं पता मेरी राहु की दशा चल रही है। देखिए बार बार एक ही चीज़ बोल रही है, राइट नाउ यू आर पासिंग थ्रू मंगल दशा, राहु की दशा चल। देखो गाइज ये मैंने अपना डेट ऑफ बर्थ दिया है, अब ये सेकंड टाइम मैंने दोबारा से चैट किया, ये एस्ट्रोलॉजर हैं एस्ट्रो टॉक के ही। मैंने इनको बताया सारा मेरे की मेरे को क्या प्रॉब्लम है, इन्होंने मेरे से कुछ नहीं पूछा, पर मैंने बताया करियर एंड इनकम मैं टाइप कर रहा हूँ। ये चैट फ्री थी मेरे को, और ये देखिए आप जैसे कि जैसे अब चैट मैंने बोल दिया इनको क्वेश्चन, अब ये थोड़ा सा चलो टाइम लगाएंगे देखने में कि भी क्या प्रॉब्लम है। मैंने कहा कि मेरे को प्रॉब्लम है पैसों की, मेरा डेट ऑफ बर्थ टाइम प्लेस जो है मैंने दिया हुआ है, मेरा राहु वृश्चिक राशि में है और सारे प्लैनेट्स मेरे पोजीशन में नीच के ही हैं, और ये उसी को ही देख के बता रहा है क्योंकि ये वैदिक एस्ट्रोलॉजी से देख के बता रहा है। इसको मालूम ही नहीं है कि भाई वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अंदर जो है ना प्रेडिक्शन सही नहीं आती, और इसको तो बिल्कुल नॉलेज नहीं थी। और ये कह रहा है कि आपका ये रिकॉर्ड करके भेजेगा अपनी सारी वॉइस ना कि इसने क्या ऑब्जर्व करा इस कुंडली में। और सबको मालूम है 25-30 करोड़ का मालिक हूँ, घर हैं 3-3 मेरे, गाड़ियाँ हैं, किसी चीज़ की कमी नहीं है। और वो मैंने 10-15 साल पहले ही अपनी कुंडली एग्जैक्टली ठीक कर ली थी, जैसे मैंने आपको इस वीडियो में स्टोन्स का कॉम्बिनेशन दिखाया।
पर जब मैं आप लोगों को ये बताता हूँ स्टोन्स कॉम्बिनेशन, तो आपको लगता है कि मजाक कर रहा है या बिजनेस करने की कोशिश कर रहा है। पर मेरे भाइयों मेरी बहनों, ये ये देखिए कॉम्बिनेशन भाई ही साहब, मैं आपको इनसे दुनिया के क्वेश्चन अंदर पूछ रहा सफलता हूँ, दिलाएगा, अभी जितने मर्जी देखते हैं लॉन्ग क्या इलायची बता रख रहे हैं लो, ये। ये मैंने इनको ठीक है कि बताया, नहीं। देखो चलो अब तीस इस अक्टूबर नाइनटीन एस्ट्रोलॉजर सेवेंटी की फोर देख लेते हैं कि ये लुधियाना क्या कर रहा है, देखते हैं आकाशदीप, ये मेरा ये एस्ट्रो अब ट्रॉप जवाब पे देगा मेरे को यहाँ है, ये पे। सौरभ जी हैं, कोई फ्री चैट है, अब देखते हैं कि वो क्या बोल रहे हैं। अभी वेट कर रहा हूँ मैं इसका। अब ये देगा भाई, बताइए कि क्या। मैं उनसे पूछ रहा हूँ, ऑब्जर्व कर रहे हैं ये, तो इनको कुछ नहीं पता यार, ये बस धक्के से बिठा रखे हैं। ये अब इन्होंने यस कंटिन्यू टू दिस चैट बोल दिया, अब देखते हैं जरा क्या बोल रहा था ये। अब मैं आपको सच्चाई बताता हूँ कि मेरे राहु की महादशा 2022 से स्टार्ट हुई है, और 2022 से लेकर अब तक मैंने एक घर परचेज़ किया है। आपको मैं कागज़ भी दिखा सकता हूँ उस चीज़ के, और ये भाई साहब बोल रहे हैं कि, और मैं आपको अपनी इनकम टैक्स रिटर्न दिखा सकता हूँ जिसमें 8 लाख 6 लाख पर मंथ का रिटर्न भरी है मैंने 2022 में और 23 में भी। अब ये 24 चल रहा है, इसके अंदर भी ज़बरदस्त चल रहा है। ये कितने हद तक बेवकूफ़ बनाते हैं, पहले वाले में मैं आपको सारी हिस्ट्री बताऊंगा इन लोगों की, ये इस तरीके से बेवकूफ़ बनाते हैं। ये राहु की महादशा की बात कर रहा है, राहु की महादशा वृश्चिक राशि में राहु है 10वें घर में। इसको ये नहीं पता कि राहु की नाड़ी मैथमेटिकल कैलकुलेशन में जो आ रही है वो बहुत ज़बरदस्त आ रही है। मेरा एक और चैनल है, इसके अंदर मैं केवल अपनी की हुई पूजास डालता हूँ, जैसे कि आजकल ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पूजास डल रही हैं। ये देखो, ये मैंने पूजास डाली हैं इसके अंदर, प्राइवेट के अंदर डाल देता हूँ पूजास। आजकल सावन का महीना है तो पूजास सारे लोग करवा रहे हैं, और आप लोग हैरान हो गए कि पूजा का असर कितना ज़्यादा होता है। और ये देखिए, पूजा के लिए लोग पैसे भी देते हैं, आपको विश्वास नहीं होगा। ये देखिए, इसमें साफ लिखा हुआ है कि पूजा के लिए हम लोग पैसे दे रहे हैं, और इसकी रसीद भी इन्होंने दी है। ये स्वप्निल जी हैं, इन्होंने पूजा के लिए करवाई है मेरे साथ। ये देखिए, पूजा करवाने के पैसे भी भर रखे हैं। ये है 24th जुलाई, 24th जुलाई। अब उसके बाद एक और पूजा के पैसे आए, जो कि 3 दिन पूजा चलती है, ये 26th जुलाई को आए हैं। ये देखिए, आप खुद देख सकते हो रसीद। और हमें अब आप किस पे विश्वास करोगे यार, ये एस्ट्रो टॉक हो गया, एस्ट्रो सैग हो गया, एस्ट्रो योगी हो गया, सारे के सारे शुगर कोटिंग कर रहे हैं, पता किसी को कुछ भी नहीं है। फिर आपको मैंने अभी रिसेंटली वीडियोस भी दिखाए हैं, वीडियोस बना के मैंने पोस्ट करे थे, वो मैं वीडियोस आपको दिखा देता हूँ, आप मेरे चैनल पे चले जाइए। ये देखिए, ये मेरा चैनल है, अगर आप इस पे जाएंगे और ऊपर ही अगर आप देखते हैं तो व्यू, यहाँ पे वीडियोस आ जाते हैं सारे के सारे। इस वीडियोस को दबाइए, ये वीडियो को दबाइए, और उसके बाद ये वाला चैनल खोल के देखिए, एस्ट्रोलॉजर्स बना सकते हैं आपको बेवकूफ़ वैसे। मेरे वीडियोस ये भी वाला देख वीडियो लोगे देखिए सारे, आप ध्यान अगर आप से। मेरे पास अपॉइंटमेंट लेते हैं उस टाइम पे सिर से 4 बार घुमाना, किसी भी सांड के आगे रखना है, सांड के आगे किसी की कोई भी प्रॉब्लम है तो वो अपनी प्रॉब्लम जो है वो एक पेपर पर लिख लीजिए, पॉज का साइन आता है उस प्रॉब्लम के ऊपर पॉज का साइन बना लीजिए। ये कंटिन्यू करने से आपकी जो सिचुएशन है, खराब सिचुएशन है, उससे आप निकल जाए। और उसमें एक चांदी का सिक्का डाल चला देना है। और अगर किसी को मनी अट्रैक्ट करना है या फिर प्रोस्पेरिटी अट्रैक्ट करना है, आपको क्या करना है, वेरी सिंपल रेमेडी बताऊंगी। अपने मम्मी को कॉल करना है और उनके पास से एक लक्ष्मी का सिल्वर कॉइन देना है,
लक्ष्मी का सिल्वर कॉइन लेना है अपने घर से, कि बस थोड़ा बहुत आ गया, बहुत ज्यादा पैसा है। तो ऐसे कुछ नंबर या फिर ऐसे कुछ उपाय जिससे बहुत सारा पैसा अट्रैक्ट कर सकते हैं। मतलब पॉडकास्ट में बताया है कि अगर एक नंबर है 897 थंब के नीचे लिखो, अगर आप इसको थंब के नीचे लिखते हो तो यहीं पे ये एक्टिवेट होता है। मैंने आपको किसी भी शाम के टाइम पे जिस टाइम सनसेट हो जाए और रात का पहला तारा निकलने से पहले 45 मिनट का आप ये कर लो, आप वो कर लो, नील का पानी अपने टॉयलेट में बहा दो, कोल्ड ड्रिंक्स टॉयलेट में बहा दो, राहु ठीक हो जाएगा भाई। ये सब आपको मिसगाइड कर रहे हैं। अब तो मैंने ऐप्स के बारे में भी बता दिया यार, आप लोग एस्ट्रोलॉजी को बदनाम करके बिल्कुल बर्बाद ही कर चुके हैं ये लोग। तो हम लोग हैं जो बचाने की कोशिश कर रहे हैं, आज भी मैं बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये लोग बोलते कुछ और हैं, हमारा लाइफ में कुछ और चल रहा होता है, पर मैं एक ऐसा अनोखा एस्ट्रोलॉजर हूँ जो कि डेट ऑफ बर्थ टाइम प्लेस लेगा, बात करेगा आपसे, क्वेश्चंस भी आपके मैं ही बताऊंगा, आपको बताने की जरूरत नहीं है। ये लोग तो बेवकूफ़ बना ही रहे हैं आप लोगों को यार, हम लोग नहीं हैं उनमें से। हम लोग इस एस्ट्रोलॉजी को बचाना चाह रहे हैं, तभी मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, बार बार इसी चीज़ के ऊपर वीडियो बनाऊंगा। ये कहते हैं कि पैसों की जड़ी लग जाएगी 5 दिन में 7 दिन में अगर आप ऐसा कर लोगे, यार ऐसा कभी भी कुछ नहीं होता है। ये कह रहे हैं ना, नंबर लिख लो हरे पेन से, अंगूठे के नीचे वीनस का मार्क होता है, 897 लिख लो, 457 लिख लो, भाई इनसे कुछ नहीं होता है। तो ये बेवकूफ़ बनाने के तरीके हैं, ट्रैप करने के तरीके हैं। एस्ट्रो टॉक भी इतनी एडवर्टीजमेंट करता है, कहते हैं कि हम लोग 10 राउंड्स के बाद हम लोग क्या कहते हैं एस्ट्रोलॉजर को चुनते हैं, पर ऐसा नहीं है। एक बारी भी नहीं देखते ये लोग और एस्ट्रोलॉजर की भर्ती कर देते हैं। मैं आपको उसका एग्जांपल दिखाता हूँ, बंदे से बात करें। ये एस्ट्रो टॉक के बारे में बोल रहा है कि नहीं ऐसा ही होता है, और एस्ट्रो टॉक की एड आती है अब इतनी जबरदस्त कि हम 10 राउंड लेते हैं एस्ट्रोलॉजर को चुनने से पहले। और जितने भी एस्ट्रोलॉजर्स हैं ना, आप ये देखो अगर ऐप खोलोगे उसमें टैरो कार्ड रीडर्स होंगे जिसका तो कभी बिलीव करना ही मत, वो एक एस्ट्रोलॉजी नहीं है, कोई स्टडी नहीं है। 10 दिन में आप टैरो कार्ड सीख सकते हो, पर वैदिक और नाड़ी मैथमेटिकल कैलकुलेशन, वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी, लाल किताब, इनको सीख के दिखाओ 10 दिन के अंदर तो मैं बात मानूँ। तो ये चीज़ है ना, ये सब आप लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं और एस्ट्रोलॉजी को बदनाम कर दिया। एक दिन आएगा कि ये एस्ट्रोलॉजी पर कोई भी नहीं जाएगा, कोई विश्वास नहीं करेगा। पहले हम लोग रेमेडीज देते थे डेट ऑफ बर्थ टाइम प्लेस देख करके, उसकी अच्छी तरीके से गणना करके स्टोन्स कॉम्बिनेशन दिया करते थे, मंत्रास दिया करते थे, पूजा सजेस्ट करते थे, यही तीनों रेमेडीज काम आती हैं। अब ये पॉडकास्ट में इन्होंने इतना इलायची रख लो, लहसुन रख लो, आप नील पानी रख लो, मतलब अनोखी बातें करने लग गए। कोल्ड ड्रिंक लेके आओ, आप अपने फ्लैश में कर दो, राहु आपका ठीक हो जाएगा। यार मैं ना बाई गॉड ये सारी चीज़ें देख के मैं इरिटेट इसलिए हो रहा हूँ क्योंकि मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूँ, और ये सो जितने भी मिथ्स फैला रहे हैं ना यार, इनसे प्लीज़ बचो आप लोग। अच्छा अरे आप वीडियोज़ देखिए, मेरे वीडियोज़ देखिए, आप दुनिया भर की नॉलेज भरी हुई है, आप वीडियोज़ देख ही नहीं रहे हो, ना मेरे को वायरल करते हो ना कुछ करते हो। आप उन लोगों को वायरल कर लेते हो, उसका वीडियो फटाफट शेयर करते हो जो कि बड़ी अनोखी बात कर रहा है। तो प्लीज़ ये देखिए, आपने जैसे आज मैंने आपको दिखाया एस्ट्रो टॉक पे, मैं अपना डेट ऑफ बर्थ टाइम प्लेस दिया, मैं आप लोगों को अपनी इनकम रिटर्न जो ITR होती है वो भी दे सकता हूँ, अपने घर के कागज़ भी दिखा सकता हूँ, सारी चीज़ें दिखा सकता हूँ मैं। और ये लोग कह रहे हैं कि तुम्हारा 1 साल 2 साल से कोई काम नहीं चल रहा क्योंकि राहु की महादशा आई हुई है, और वो राहु वृश्चिक राशि में नीच का है, वही वाला काम कर रहे हैं ये, नीच का उच्च का डेबिलिएटेड है। और मैंने प्रूव कर दिया है कि भाई अगर आप मेरे पास आ गए, मेरे तरीकों को मान गए आप, तो मैं आप लोगों को रंक से राजा बनाने में 1 साल का टाइम देना, मुझे 6 महीने में मैं आपका सारा कुछ कर दूंगा। पर आप फॉलो तो करो, आपको तो लगता है कि बिजनेस कर रहा है आकाशदीप बत्रा। अरे बिजनेस नहीं कर रहा हूँ, तुम्हारी ज़िंदगी बना रहा हूँ। तो कुछ लोगों को गुस्सा चढ़ जाता है कि मेरे को स्टोन सजेस्ट कर दिए, ये है वो है। अरे जिनको मैंने बोला है उसी में ही तुम्हारा रहस्य छुपा हुआ है, उसी स्टोन्स कॉम्बिनेशन से ही तुम्हारा राइज होगा, उसके बिना तुम कुछ नहीं होगे। आज से 10 साल बाद मिल लेना, तुम उसी स्थिति पे चल रहे होगे, और अगर मेरे साथ आप जुड़ गए तो 10 साल बाद देखना आप करोड़ोंपति होगे। बाकी आपकी इच्छा है यार, मैं कोई ज़बरदस्ती तो कर नहीं सकता कि आप मेरे साथ जुड़ो, आपका अपना दिमाग है, लॉजिक तो लगा लो यार। तभी तो हमारे को पॉलिटिशियंस और अंग्रेजों ने लूटा और आज भी लूट रहे हैं पॉलिटिशियंस।
जरा सी बात पे और ऐसी जरा सी बात कह कुआ के आप लोग, आप जैसे भोले लोगों को अपने पीछे डाल लेते हैं। वो वही कर रहे हैं वो लोग यार, आज के पॉलिटिशियंस भी यही कर रहे हैं, ये एस्ट्रोलॉजर्स भी यही कर रहे हैं। जो एस्ट्रोलॉजर मेरे टाइप है, हम लोगों को भी पॉडकास्ट में बहुत ऑफर्स आते हैं, हम नहीं जाते क्योंकि मेरी एस्ट्रोलॉजी टोटली डिफरेंट है। मैं ये पोल खोल सकता हूँ, समझ रहे हो आप मेरी बात को? बाकी मैं ऐसा काम करता नहीं हूँ। उम्मीद है आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा भाई, शेयर करो। और मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ उसको सब्सक्राइब करो। देखते तो आप रहे हो, देख तो रहे हो, पर आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो। मेरी आपसे हाथ जोड़ करके विनती है, प्लीज़ सब्सक्राइब करो, सपोर्ट करो इस चैनल को। यार ये एस्ट्रोलॉजी का चैनल है, इसमें इतने वीडियोस मैंने डाले हुए हैं, 400-500, वो वीडियोस आपको नॉलेज दे सकते हैं, भंडार है उसके अंदर। और ये जितने भी लोग वायरल हो रहे हैं ना पॉडकास्ट पे, इलायची रख लो, लहसुन रख लो, हरा मार्क्स यहाँ पे रख लो, यार ये लोग बर्बाद कर रहे हैं एस्ट्रोलॉजी। मेरे सारे वीडियोस देखो, आपको पता चल जाएगा कि यार बेस्ट कौन है, अपने आप आओगे आप मेरे पास। जय श्री राम, जय हनुमान, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।